दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप अपने फेसबुक स्टोरी में फोटो के साथ म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फेसबुक यूज़र है तो आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है और आप सेम यही चीज़ इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं, यानी कि अपने इंस्टाग्राम स्टेटस में आप फोटो के साथ में म्यूज़िक को ऐड करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसी प्रोसेस को सीखेंगे। जानने के लिए वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखते रहना, और अगर इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल और काफी ट्रेंडी भी है, तो कुछ चुटकी वाले स्टेप्स में जो है हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रोसेस सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पे आ जाना है। अब जब यार इंस्टाग्राम पे आ ही चुके हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर दोस्तों चलिए वीडियो को आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर में जो है आपको एक प्रोफाइल स्टोरी का आइकन दिखेगा, योर स्टोरी। सिंपली से आपको उस प्लस वाले आइकन पे टच करना है, उसके बाद यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली से आपको इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, आपको अपना फोटो जो है सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको अपलोड करना है। तो मैंने अपना फोटो जो है सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे म्यूज़िक को ऐड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा है स्टिकर का। सिंपली आपको इस पर टच करना है और बहुत सारे स्टिकर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसमें से आपको ये म्यूज़िक वाला स्टिकर है, सिंपली इस पर आपको चले जाना है। अब आपके सामने बहुत सारा म्यूज़िक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली ऊपर में देखिए सर्च करने का ऑप्शन है। अगर आपको कोई म्यूज़िक पसंद है, अगर आप उसको सर्च करके डालना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च करेंगे, इस लाइब्रेरी के अंदर वो म्यूज़िक होगा तो आपको मिल जाएगा। उसका नीचे ये जो म्यूज़िक रिकमेंड कर रहा है ये सब वो ट्रेंडिंग म्यूज़िक है जो मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये जो है आपके जोनरा के हिसाब से है, पंजाबी चाहिए कि पॉप चाहिए कि हिंदी चाहिए, जिस तरह का चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है एक म्यूज़िक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक म्यूज़िक जो है ले लिया है। ओके अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों कि नीचे में देखिए ये जो वाइट कलर का जो एरिया सेलेक्टेड है उसके अंदर में जो है म्यूज़िक का वेव दिखाई दे रहा है। तो वो जो वेव है वो जितना एरिया सेलेक्टेड है उतना ही गाना आपके स्टोरी में बजेगा, ठीक है। आप उसको लेफ्ट राइट करके इस तरह से, आप देखिए ऊपर में टाइमिंग चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट करके आप गाना को प्ले कर करके सुन के आप उसको सेट कर सकते हैं कि आपको गाना को किस पार्ट से किस पार्ट तक चाहिए, ठीक है। ओके अभी डिस्प्ले के ऊपर देखिए मेरे फेस के पास ये जो है गाने का थंबनेल आ गया है। अगर उसको छोटा बड़ा करना है, अपने देखा होगा लोगों को छोटा बड़ा लगाते हैं, तो छोटा बड़ा करना है तो ये जो दो ऑप्शन है सिंपली इससे चेंज होगा। अगर मैंने चेंज किया आप देखिए बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उस थंबनेल का बैकग्राउंड जैसे वाइट है, अगर आप उसको चेंज करना है कलर, तो ये जो कलर व्हील यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर टच करते जाना है, अलग अलग कलर चेंज होता जाएगा। जो भी कलर आपको छोड़ना मतलब रखना है वहाँ पर ला के आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मान लीजिए कि हमें वाइट ही चाहिए, तो हम यहाँ पर वाइट फिर से ले आते हैं, वाइट, हाँ ये वाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं, अब सिंपली हमको यहाँ पे डन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ। सबसे पहला जो ये ऑप्शन है ये है टेक्स्ट का, आप यहाँ पे करके कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा है, ओके। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है ये है ब्रश का, अगर आपको किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसका तीसरा वाला ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि स्टिकर का। चौथा वाला है आपको सेव करने का, अगर ये इमेज आपको वापस से सेव करना है तो सिंपली आप इसको टच करेंगे तो वो इमेज सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरी लगाते हैं और बोलते हैं कि स्वाइप अप कीजिए, तो वो जो स्वाइप अप कीजिए वहाँ पे लिंक लगाते हैं, यहाँ पे आप अपना लिंक लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो का या फिर किसी भी चीज़ का यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इफ़ेक्ट का, कि आपको अपने इमेज में या फिर जो भी लगाया उसमें इफ़ेक्ट किस तरह देना है। देखिए मेरा इफ़ेक्ट चेंज होगा, देख रहे हैं ना चेंज हो रहा है, आप जिस तरह से इफ़ेक्ट लगाएंगे उस तरह से वहाँ पे इफ़ेक्ट चेंज होगा। तो मुझे फ़िलहाल अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, और सब कुछ हो गया दोस्तों यहाँ से कंप्लीट। अब सिंपली से दोस्तों हमको क्या करना है कि अगर किसी फ्रेंड को आपको टैग करना है तो नीचे में देखिए क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन है, और यहाँ से आप ऐड टू लिस्ट कीजिएगा तो आपका फ्रेंड सब दिखने लगेगा और वहाँ से आप टैग कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली योर स्टोरीज का जो ये ऑप्शन दिख रहा है ये बोल रहा है कि सिंपली आपका ये जो स्टोरी है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में आपको करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर टच कर देंगे
तो दोनों में ये जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए वो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये जो है काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि आपका फ़ोटो जितना बड़ा साइज होगा उतना ये टाइम लेगा उसको अपलोडिंग होने में। तो मेरा थोड़ा हाई क्वालिटी का है तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मिलते हैं आपसे अपलोड होने के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा अभी अपलोड हो गया है और यहाँ पे गाना भी बज रहा है और यहाँ पे जो है मेरा गाने का थंबनेल भी दिखाई दे रहा है, मेरा फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपने लिए भी जो है क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने लिए भी जो है स्टोरी बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना ईजी और कितना सिंपल मेथड था जिसकी मदद से हम लोगों ने अपने फ़ोटो के साथ म्यूज़िक को ऐड करके एक स्टेटस क्रिएट कर लिया। अब चुटके वाले स्टेप्स में आप भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आज का सवाल आपसे यही है कि कौन सा आपको स्टोरी ज़्यादा बेहतर लगता है, फेसबुक स्टोरी या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी, बताना जरूर आप नीचे कॉमेंट्स में। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट कर दो नीचे कॉमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कर दो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही कमाल के वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।